नमस्कार, मैं हूं सपना। स्वागत है आपका प्रातः दर्पण न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट 20 खबरों पर। फिलिस्तीन के समर्थन में रैली पर पाकिस्तान में बवाल, जमकर लाठी चार्ज, फायरिंग और आगजनी। बांग्लादेश में शेख हसीना का हो रहा बड़ा विरोध, 13 गाड़ियां एक पुलिस पोस्ट फूंका गया। फ्रेंड्स एक्टर मैथ्यू पेरी का 54 साल की उम्र में निधन, अमेरिकी रिपोर्ट्स का दावा, शव हॉट टब में मिला। केरल में विस्फोट के बाद दिल्ली यूपी में हाई अलर्ट, यहूदियों के धार्मिक स्थलों को लेकर खुफिया एजेंसियां चौकन्नी। पीएम के मन की बात का 106वां एपिसोड, मोदी बोले मेक इन इंडिया को दी बढ़ावा, त्योहारों में छोटे दुकानदारों से खरीदे सामान। दिल्ली में और जहरीली हुई हवा, जहांगीरपुरी में 566 और नोएडा में 490 पहुंचा AQI। देवरिया में प्रधान को पिकअप वैन से कुचलकर मारने वाला गिरफ्तार, 40,000 रुपए की मिली थी सुपारी। यूपी के फिरोजाबाद में लकड़ी बाजार में लगी भीषण आग, करोड़ों के नुकसान की आशंका। यूपी में सरकारी नौकरी की पात्रता के लिए प्रारंभिक परीक्षा के पहले दिन 3.80 लाख ने छोड़ा PET एग्जाम, STF की हत्या चढ़े 50 मुन्ना भाई। बागपत में आवारा श्वानों का आतंक जारी, आवारा श्वानों ने 4 बच्चों को काटा। झारखंड में पारा 7 डिग्री तक लुढ़कर, राज्य में ठंडक की दस्तक, गुमला जिला रहा सबसे ठंडा। धनबाद, रामगढ़ और बोकारो DVC कमांड से बाहर, JBBNL पर निर्भरता बढ़ी, अब लगभग 3.25 रुपए प्रति यूनिट मिलेगी बिजली। आगरा में पुलिस कमिश्नर द्वारा चलाया जा रहा विशेष अभियान, जुआरियों, सटोरियों, चोरों सहित अन्य अवैध काम करने वालों को लगातार भेजा जा रहा है जेल। आगरा के थाना बमरौली कटारा क्षेत्र के नवामील CNG पेट्रोल पंप के बाहर आर्टिका कार में लगी आग। नीदरलैंड ने वर्ल्ड कप 2023 में बांग्लादेश को 87 रन के बड़े अंतर से हराया, डच टीम ने ड्रेसिंग रूम में किया जीत का सेलिब्रेशन। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मैच में रिकॉर्ड 771 रन बने, वर्ल्ड कप चेज का बेस्ट स्कोर बनाकर भी हारे कीवी। गोविंदा कृष्णा अभिषेक के बीच हुई सुलह, कृष्णा ने मामा के साथ का डांस वीडियो किया शेयर। न्यू ईयर पर गदर 3 के अनाउंसमेंट करेंगे मेकर, सितारा सिंह से जुड़ी रहेगी कहानी। सोनिया बंसल ने मन्नारा चोपड़ा को बताया फेक, कहा मैं चीप लड़की नहीं हूँ, कड़क होकर करना जानती हूँ काम। 1979 में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुए थे विधु विनोद, सेरेमनी के लिए सूट खरीदने तक नहीं थे पैसे, कुर्ता पायजामा पहनकर जाना पड़ा। मेरे साथ फटाफट में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए प्रातः दर्पण न्यूज के साथ। नमस्कार।